इस संदेश होता है और बुद्धि निश्चय होती है। इसका स्वरूप सूक्ष्म होता है। अध्यात्म रूप से भगवान हिरण्यगर्भ अंतःकरण में विद्यमान रहते हैं और वही जीवात्मा है। इस प्रकार प्रपंच से परे उस महा प्राण परमात्मा के द्वारा पंच महाभूतों से बने शरीर की उत्पत्ति होती है। उन्हें पंचकृति पंच महाभूति से ब्रह्मांड अर्थात इस जगत की सृष्टि हुई थी। पैर आदि से युक्त शरीर स्थूल शरीर है, यह तो संसार में प्रसिद्ध है। उसके बाद उनमें पंचभूत तत्व तथा उनके कार्यों की जो स्थिति है वह स्थूल शरीर के पूर्व का शरीर है, किंतु उसके शरीर से जो कुछ उत्पन्न होता है उसको स्थूल ही कहा जाता है। विद्वान इस प्रकार परमात्मा से स्थित शरीर को तीन प्रकार मानते हैं। ऐ स्वतंत्र को भेद को बदलाने वाला भेद क्या अहम ब्रह्मासी के अनुसार उन दोनों पूर्व स्तरों और स्थूल शरीर में वह ब्रह्म ही प्रवेश रहता है। जल में सूर्य छाया और बेर के समान उस समय उसकी आकृति होती है। जीवात्मा वह प्राण ब्रह्मा उसमें प्राण दे इन शरीर तत्व को धारण करता है। जगत श्रवण और सुप्ति का अवस्था में किए जाने वाले कार्य जो साक्षी है वही जीवन माना गया है। जगत स्वयं तथा सुप्ति अवस्था में वह ब्रह्मा अपने निर्गुण स्वभाव में ही रहता है। उस क्रियाशील शरीर के साथ रहने एवं न रहने की स्थिति में भी वह नित्य शुद्ध स्वभाव वाला ही है, उसमें कोई विकृति नहीं आती है। जागृत सोपन और सुषुप्त जो तीन अवस्थाएं हैं इन अवस्थाओं के कारण वह परमात्मा ही तीन प्रकार का मान लिया जाता है। वह यह अंतःकरण में स्थित है और जागृत सोपन और सुषुप्त स्थिति में इंद्रियों को क्रिया को देखता हुआ वह विकार युक्त हो जाता है। हे अर्जुन, मैं फल युक्त क्रिया और कारक की जागरण सुवन तथा सुषुप्त अवस्था का वर्णन करता हूँ, उसको सुनो। इंद्रिय द्वारा शब्द स्पर्श रूप और गंध और तंत्रों को जब मनुष्य रूप में ज्ञान होता है तब उसकी मनुष्य की जगत अवस्था कहते हैं। उसको विशासक प्राणी के अंतःकरण में जगते हुए संसार को विश्वास भी कहा जाता है। सोपन एवं सुप्ति स्थिति तब होती है जब विषय उपेक्षित कार्यों में लगाए जाने वाले साधन चिता में बुद्धि एकाग्र हो जाती है। कारण अवस्था में ब्रह्म की स्थिति है, अतः काल में वश होने के कारण वही जीवात्मा बनकर स्वरूप स्थिर स्थिर रहता है। यह नियम निमादि अष्ट मार्गों की यथा कर्म वह कर्म पास करते हुए जागृत सोपन और सुषुप्त अवस्थाओं में विद्यमान वह साक्षी रूप में सब कुछ देखता है। अतः मनुष्य की समाधि आरंभ करके पूर्व ही उस परम लक्ष्य के अवधारण अपने चित्त में बना लेना चाहिए। इसके बाद में मोक्ष अंतःकरण में केवल अर्थात उस परमात्मा का साक्षात अवस्था आ जाती है। अतः मोक्ष की स्थिति में पंच भैतिक शरीर अंदर फंसे हुए जीवात्मा के विषय में विचार का उसको शरीर पृथक पृथक समझना चाहिए, क्योंकि आत्म तत्व को शरीर से आंतरिक मानने पर ब्रह्म तत्व से सत्कार करने से अनेक बाधाएं होती है। अतः बाधा दूर करना अपेक्षित है। जो सांसारिक विषय वासनाओं को क्षेत्र से उत्पन्न है उस स्थिति में तो समस्त क्षेत्र की शून्य कर देना आवश्यक होता है। यह पंच भौतिक शरीर घट आदि के समान है। जैसे घट के अंदर आकाश है और उस समय वह घटकाश कहा जाता है, किंतु उस भ्रम को दूर किया जाए तो अपने उस रूप में वह दिखाई देता है। वैसा ही स्थिति जीव आत्मा की है। अतः पंच भौतिक शरीर से मोक्ष के साधन जीवात्मा के पृथक समझना चाहिए, जिसमें वह अवध्य है, जिसके क्षेत्र में भी भली प्रकार से क्षेत्र करना अनिवार्य है। किसी प्रकार से घट मिट्टी से पृथक नहीं है, उसमें समान संबंध होता है। उसी प्रकार कुंभ का द्वारा प्रयुक्त कर
शिकार आदि कार्यों में भी वह पृथक नहीं है, किंतु पंचीकृत भौतिक तत्वों को उत्पत्ति अपकृतिक महाभूत परमात्मा से हुई है। अतः कारण अंत में वही परमात्मा की परमात्मा ही सिद्ध होगा जो निर्गुण निराकर और अद्भुत पंचकृति देह तत्वों से परे है, कार्य के कारण से पृथक होता है। इसीलिए कार्य कारण संबंध के द्वारा वह कहा जाता है सिद्ध कही जाती है। और इसके लिए निमित्त अभिमान में अंतरिक्ष द्वारा सूक्ष्म शरीर की आवरण की बात को पुष्टि करते हैं। अब शरीर महाभूतों से सूक्ष्म शरीर पृथक नहीं है, जैसे आधार पृथ्वी के बिना नहीं होता है, वैसे ही वह पृथ्वी उसके आधार के बिना नहीं रहती है। यह आधार तो तेज अर्थात अग्नि है जो वायु को बिना रहता है, और वह वायु आकाश के बिना, आकाश उस माया से ब्रह्म के बिना, और वह माया रहित शुद्ध ब्रह्म आकाश के बिना नहीं रहता है। ध्यान ऐसी अवस्था में पहुंचने पर प्राणी को हृदय में वह शुद्ध भाव आता है जो जागृत और स्वप्न आदि स्थिति में उदत नहीं होता है। जो प्राप्त हुए आत्म ज्ञान को अनुरूप प्रभाव से युक्त होता है, ब्रह्म को नित्य तथा शुद्ध आत्मा अद्वित कहा जाता है। वह तत्व शिष्ट पादों के बीच स्थित है, उसको ब्रह्मवाचक शब्द ओंकार कहते हैं। इसमें ओंकार औकार दो और एवं मकार एक आधुनिक व्यंजन है। इसमें बना हुआ वह पद समय नहीं है, अब तो महामंत्र है जो आदित्य है। मैं ब्रह्मा मैं हूँ या मैं ब्रह्म हूँ, ये दोनों बात मन में ज्ञान और अज्ञान दोनों को बढ़ाने वाला है। यह आत्म तत्व परम ज्योति स्वरूप है, यह चित्तानंद है, यह सत्य ज्ञान और अनंत है, यही तत्व मसीह है। वेदों को भी कथन है मैं ब्रह्मा हूँ, संसारिक हूँ, विश्व पर जो प्रेर आता है वही मैं निर्व्यक्त देख देव हूँ, जो सर्वात्मी परमात्मा है वही मैं हूँ, जो आदित्य स्वरूप देवदेश है वही मैं हूँ। अरे मैं तो वही अनादि देवेश्वर ब्रह्मा ही हूँ, जिसके आदि और अंत का ज्ञान किसी को भी नहीं है। यह गीता का सार है और इसी का वर्णन मैंने अर्जुन से किया था। इसको सुनकर मनुष्य ब्रह्म में लीन हो सकता है, अर्थात उसको जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है। गरुड़ पुराण के महात्मा या भगवान हरि ने कहा कि हे रुद्र, मैंने गरुड़ पुराण का वह सार भाग आपको सुना दिया जो भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। यह विद्या जैस और संदर्ज लक्ष्मी विजय और आरोग्य आदि का कारक है। जो मनुष्य इसका पाठ करता है या सुनता है वह सब कुछ जान जाता है और अंत में उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे व्यास, मैंने भुक्ति प्रद ऐसे महाप्राण को भगवान विष्णु से सुना था। व्यास जी ने कहा कि शुद्ध भगवान विष्णु ने इस महापूर्णदायक ग्रंथ पुराण को सुनाकर ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति नारद एवं हम सभी को सुनाया और स्वयं उस प्रतपर ब्रह्म का ध्यान करते हुए वैष्णव पद को प्राप्त हो गए। मैंने भी तुम्हें और तुम्हारे सुनकादि के ही सर्वश्रेष्ठ पुराणों को सुनाया, जिसको सुनकर सर्वज्ञ बना व्यक्ति अपने अभिष्ट प्राप्त करके अंत में ब्रह्म लाभ को होता है। धनवान विष्णु गरुण के शरत भाग सुनाया था, इसीलिए वह गरुण के लिए कथित सार्थक गरुण पुराण के नाम से प्रसिद्ध हुआ गया। वह सार्थक है, वह प्राणी के धर्म काम मोक्ष और मोक्षादि सभी को पान सभी फलों को देने वाला है। शुद्ध कह के हे सुनो, आपको मैंने उस सिस्टम गरुण पुराण को सुना दिया है जिस सुपुराण को पुराण को भगवान व्यास ने ब्रह्मा से सुनकर बहुत समय के पहले मुझको सुनाया था। व्यास रूप भगवान हरि ने ब्रह्म में मात्र एक वेद था, उसे चार भागों में विभाजित किया गया और अष्टादश महापुराणों की रचना हुई, और उन पुराणों को महाराज सुखदेव जी ने मुझे सुनाया। हे सनो, आपके
पूछने पर श्रेष्ठ गरुड़ पुराण को मैंने मुनियों के सहित आपको सुनाया। जो मनुष्य एकाचित होकर इस महागरुण पुराण का पाठ करता है, सुनता है अथवा सुनाता है, इसकी ले, ले लिखता है या लिखवाता है और ग्रंथों के रूप में इसे अपने पास रखता है, तो वो यदि धर्मार्थी हो तो धर्म की प्राप्ति होती है, यदि वह अर्थ का अभिलाषी हो तो अर्थ का प्राप्त होता है, यदि वह कामी हो तो उसको कामनाएं पूर्ण होती है, और यदि वह मोक्ष प्राप्त करने का इच्छुक है तो उसे मोक्ष प्राप्त मिलता है। मनुष्य जिस किसी वस्तु की कामना करता है वह सब इसी गरुण पुराण की सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इस गरुण पुराण का पाठ करता है वह अपने समस्त अभिष्ट को सिद्ध करके अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस पुराण के एक श्लोक का एक चरण भी पढ़कर मनुष्य पाप रहित हो जाता है। जिस व्यक्ति को घर में यह महापुराण रहता है उसको इसी जन्म में सब कुछ प्राप्त हो जाता है, और जैसे मनुष्य हाथ में गरुड़ पुराण विद्यमान है उसे हाथ में नीतियों का कोश है। जो प्राणी इस प्राण का पार करता है या उसकी सुनता है वह भोग मोक्ष और दोनों को प्राप्त कर लेता है। इस महापुराण को पढ़ने और सुनने से मनुष्य धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को सिद्धि हो जाती है। इस महापुराण का पाठ करने से या इसे सुना करने से पुरुषार्थी पुत्र कमार्थी काम और विद्यार्थी विद्या विजय प्राप्त कर लेता है तथा ब्रह्मादियों से युक्त पापी नष्ट हो जाता है। बंध्या तो पुत्र काम सजनपति में समार्थी प्रेम तथा भोग चाहने वाला भोग प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मंगल की कामना से प्रीति व्यक्ति अपना मंगल गुणों का इच्छुक व्यक्ति उत्तम गुण और काव्य करने की अभिलाषा मनुष्य की कांति विद्य मन में स्मरण व्यामी ज्ञान का ज्ञान प्राप्त करता है। पति पक्षी श्रेष्ठ गरुण के द्वारा कहा गया यह गरुण में प्राण धन्य है, यह सबका कल्याण करने वाला है। जो मनुष्य महापुराण के एक भी श्लोक का पाठ करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसके मात्र अधे श्लोक को पाठ करने से निश्चित ही दुष्ट शत्रु का क्षय हो जाता है। नमस्ते ऋषियों द्वारा आज जग में शुद्ध महाराज से इस महापुराण के सुनकर के स्वयं सोनकार मुनियों ने गरुण भगवान विष्णु की कृपा से मुक्ति को लाभ प्राप्त हुआ। धर्मकांड पे प्रेत काल वैकुंठ को लोक को वर्णन मरण लोक में और मरण लोक के अंतर अनंत जीवों को कल्याण के लिए विभिन्न विभिन्न कर्तव्यों के बारे में गरुण जी के द्वारा किए गए प्रश्न और प्रेत कल्प का उपक्रम श्री गणेश जी को नमस्कार करके नमस्कार है और ओंकार जोगते भगवान वासुदेव हरि को प्रणाम है। नारायणम नमस्कृते नरम चैव्य नरमोत्तमम देव संवादे चैव्य ततो जय मोदी जनाय भगवान श्री नारायण नरमोत्तम नर एवं भागवती श्री सरस्वती देवी को नमस्कार करके प्राण का वचन करना चाहिए। जिस भगवान का धर्म ही मूल है, वेद जिनका स्कंध है, पुराण रूपी सखा है जो समृद्ध है, जग जिनके पुष्प है, मोक्ष जिनका फल है, ऐसे भगवान वचन रूपी कल्प वृक्ष की जय हो। देव क्षेत्र में सोनकादि श्रेष्ठ मुनियों ने सुख पूर्वक विराजमान शुद्ध जी महाराज से कहा, हे शुद्ध जी, आप श्री वेद व्यास की कृपा से सब कुछ जानते हैं, अतः आप सभी के संदेह को निवारण करें। कुछ लोग को कहना है कि जिस प्रकार कोई जो कि तिनके का सहारा लेकर आगे बढ़ता है, उसी प्रकार शरीरधारी जीव एक शरीर के बाद दूसरे शरीर का आश्रय ग्रहण करता है। दूसरे विद्वान को कहना है कि प्राणी मृत्यु के पश्चात जमराज की यातनाओं का भोग करता है, तदंतर उसके दूसरे शरीर का प्राप्ति होती है। इन दोनों में क्या सत्य है यह हमें बताने की कृपा करें। श्री सूर्य जी कहा कि हे महाभाग, आप लोगों ने अच्छा प्रश्न किया है। आप लोगों को संदेह हो या असंभव है, आप लोगों ने
लोक हित के प्रेरित होकर ही ऐसा प्रश्न किया है। हे विप्रगणो, मैंने आपके आप सबके हृदय में अवस्थित उस संदेह को भगवान श्री कृष्ण और गरुण के बीच हुए संवाद द्वारा दूर करूंगा। सर्वप्रथम उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जिनका आश्रय लेकर मनुष्य भवसागर का एक शुद्ध नदी की भांति अन्नाशा ही पार कर जाता है हे मुनियों, एक बार बिनता पुत्र गरुण के हृदय में इस ब्रह्मांड के सभी लोगों को देखने की इच्छा हुई, अतः हरि नाम का उच्चारण करते हुए उन्होंने सभी लोकों में भ्रमण किया। पाताल पृथ्वीलोक तथा स्वर्गलोक का भी भ्रमण करते हुए पृथ्वीलोक में दुख से अत्यंत दुखित एवं असंत चित होकर वह पुनः वैकुंठ को वापस गए। वैकुंठ में न रजोगुण की प्रवृत्ति है, न तमोगुण की प्रवृत्ति है, न मृत्यु लोक के समान रजोगुण के तथा तमोगुण के में से सत्वगुण कभी प्राप्ति नहीं है। वहाँ केवल शुद्ध सत्वगुण ही अवस्थित रहता है। वहाँ माया नहीं है, माया भी नहीं है। वहाँ किसी का विनाश नहीं होता। वहाँ राग द्वेष आदि सरकर भी नहीं है। वहाँ देव और असुर वर्ग द्वारा पूजित सांबल सुंदर कांति से सुशोभित रवि लोचन भगवान विष्णु के पार्षद विद्यमान रहते हैं, जिनके शरीर पित्त वसन और मनोहरी आभूषण से विभूषित है और मणिजुग स्वर्ण के अलंकार सुशोभित है। भगवान के वे सभी पार्षद चार चार भुजाओं से युक्त है। उनके कानों में कुंडल और सिर पर मुकुट है। उनका वक्षस्थल सुंदर पुष्पों की माला सुशोभित है। मन को मोहित करने वाली अप्सराओं से युक्त महात्माओं के चक्ते चमकते हुए विद्वानों को भक्ति कांति से वे सभी सदा भव रहित हो रहते हैं। वह नाना प्रकार की वैश्य समानित लक्ष्मी प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री चरणों का पूजा करती रहती है। गरुण जी वहां देखा कि श्री हरि झूले पर विद्यमान है। सखियों द्वारा अस्तुत्य लक्ष्मी जी झूले में स्थित भगवान की स्तुति कर रही है। अपने लाल लाल बड़े बड़े नेत्रों से युक्त प्रसन्न मुख देवों को अधिपति श्रीपति जगपति तथा जगपति भगवान श्री हरि अपने नंद सुनंद आदि प्रधान पार्षदों को देख रहे थे। उनके सिर मुकुट के कानों में कुंडल और वक्षस्थल सीधे सुशोभित हो रही थी और पीताम्बर विशोभित थे और उनके चार भुजाएं थे। प्रसन्न मुद्रा में हंसता हुआ उनका मुख बहुमूल्य आसमान विद्यमान थे और हरि उस समय अपनी अन्नान शक्तियों से अवृत थे। प्रकृति पुरुष महत और अहंकार पांच करियो जो पंक्ति और पंचमहाभूतपन पंचमहाजाग्नि में शरीर वाले अपने स्वरूप में रमण करते हुए भगवान श्री हरि का दर्शन करने के बिनता गरुण का अंतःकरण अनादि विभोर हो गया हो उठा। उसका शरीर रोमांच हो आया। उनके नेत्र में प्रमाओं का धारा बहने लगा। आनंद मग्न होकर उन्होंने प्रभु को प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए अपने वाहन गरुण को देकर भगवान विष्णु ने कहा, हे पक्षीजन, आपने इतने दिनों में इस जगत की किस भूमिका का परिभ्रमण किया है? गरुण ने कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से मैंने समस्त लोक की परिभ्रमण किया है। उनमें स्थिति जगत का सभी अस्थावर और जगाम प्राणियों का भी देखा। हे प्रभु, जमलोक को छोड़कर पृथ्वी लोक से सतलोक का सब कुछ मेरे द्वारा देखे जा चुके हैं। सभी लोगों की अपेक्षा भूलोक प्राणियों से अधिक परिपूर्ण है। सभी अनु में मानवोनी ही भोग और मोक्ष का सुख साधन है और अतः सुकृतियों के लिए ऐसा लोक तो अभी तक बना नहीं है और भविष्य में बनेगा नहीं। देवता लोग भी इस लोक की प्रशंसा गाते गाते हुए कहते हैं, जो लोग पवित्र भारत की भूमि में जन्म लेकर निवास करते हैं वे धन्य हैं। देवता लोग भी ये भी स्वर्ग एवं अब स्वर्ग फल की प्राप्ति के लिए पुनः भारत भूमि में मनुष्य के जन्म लेते हैं। गर्वंती देवा किल कृकाने धनिया भरत भूमि प्रगाया
अस्वर्गाप्याय फल जानी भवन्तु भूम पुरुषे सुरत तपायाः। हे प्रभु, आप बताने की कृपा करें कि मृत्यु के बताने की कृपा करें कि मृत्यु प्राप्त हुआ प्रेत किस कारण पृथ्वी पर डाल दिया जाता है। उसके मुख में पंचरत्न घी डाला जाता है। मरे हुए प्राणी को नीचे लोग कुछ किस लिए बिछा देते हैं और उसके दोनों पैर दक्षिण दिशा की ओर क्यों कर दिया जाता है। मरने के समय मनुष्य को आगे पुत्र पुत्रादि क्यों खड़े रहते हैं। हे केशव, मृत्यु समय विविध वस्तुओं का दान एवं गोदान किस लिए किया जाता है और बंधुओं मित्र और शत्रु आदि सभी मिलकर क्यों समय याचना करते हैं। किससे प्रेरित होकर लोग मृत्यु लोक में तिल लोहा स्वर्ण कपास नमक शब्दान भूमि और गौदान देते हैं। प्राणी कैसे मरता है और मरने के बाद कहाँ जाता है। उस समय अति बाहिक शरीर निर्धार रूप में आत्मा को वहन करने वाला शरीर को कैसे प्राप्त करता है। अग्नि देने वाले पुत्र और पौत्र से पौत्र उसे कंधे पर क्यों ले जाते हैं। शव में घृत लेना क्यों किया जाता है और उस समय एक आहुति देने की परंपरा कहाँ से चली। शव को भूमि स्पर्श किस लिए कराया जाता है और स्त्रियां उस मरे हुए व्यक्ति के लिए क्यों विलाप करती है क्यों रोती है। शव के उत्तर दिशा में जमयुक्त का पाठ क्यों किया जाता है। मरे हुए व्यक्ति को पीने के लिए जल एक ही वस्त्र धारण के क्यों दिया जाता है। उस समय सूर्य बिंब निरीक्षण पत्थर पर स्थापित जौ सरसों दुर्वा और नीम की पत्तियों को स्पर्श करने का विधान क्यों है। उस समय स्त्री एवं पुरुष दोनों नीचे ऊपर एक ही वस्त्र क्यों धारण करते हैं। शक दाह संस्कार करने के पश्चात उस व्यक्ति को अपने परिवारजनों के साथ बैठकर भोजन आदि क्यों नहीं करना चाहिए। मरे हुए व्यक्ति के पुत्र 10 दिन के पूर्व किस लिए पिंडों का दान देते हैं। चबूतरे वेदी पर पके हुए मिट्टी के पात्र में दूध क्यों रखा जाता है। रस्सी में बांधे हुए 3 काष्ठ तिगोड़िया के ऊपर रात्रि में गौ के चौराहे पर एकांत में बस्यांत प्रतिदिन दीपक क्यों दिया जाता है। शव का दाह संस्कार तथा अन्य लोगों के साथ जल तर्पण क्यों किया जाता है। और हे भगवान, मृत्यु के बाद प्राणी अतिबाहित शरीर में चला जाता है, उसके लिए 9 पिंड देने चाहिए, इसका क्या प्रयोजन है और किस विधान से पितरों को पिंड प्रदान करना चाहिए और उस पिंड के स्वीकार करने के लिए उसका आह्वान कैसा किया जाना चाहिए। हे देव, यदि ये सभी कार्य मरने के तुरंत बाद संपन्न हो जाते हैं तो फिर बाद में पिंडदान क्यों किया जाता है। पूर्व में किए गए पिंडदान के बाद पुनः पिंडदान और अन्य क्रियाओं को करने का क्या आवश्यकता है। दाह संस्कार के बाद अस्थि संचय और घट फोड़ने का विधान क्यों है। दूसरे दिन और चौथे दिन संगीत द्विज के स्नान का विधान क्यों है। दसवें दिन सभी परिजनों के साथ शुद्धि के लिए स्नान क्यों किया जाता है। दसवें दिन तेल एवं उपटन प्रयोग क्यों किया जाता है और उस तेल और उपटन का प्रयोग भी एक विशाल जलाशय के तट पर होना अपेक्षित है, इसका क्या कारण है। दसवें दिन पिंडदान क्यों करना चाहिए। एकादशी के दिन वित्त स्वर्ग आदि के सहित पिंडदान करने का क्या प्रयोजन है। पात्र पादुक छत्र वस्त्र और अंगूठी आदि वस्तुओं को दान क्यों दिया जाता है। 13वें दिन पद दान क्यों दिया जाता है। बस प्रांत 16 श्राद्ध क्यों किया जाता है और तथा 360 सनोदक घटों क्यों दिए जाते हैं और पितृतृप्ति के लिए प्रतिदिन अन्न से भरे हुए एक घट का दान क्यों करना चाहिए। हे प्रभु, मनुष्य अनित्य है और समय आने पर वह
मरता है किंतु मैं उस छिद्र को नहीं देख सकता है, मैं नहीं देख पाता हूँ। जिससे जीव निकल जाता है प्राणी के शरीर स्थित किस छिद्र से पृथ्वी जल मन और तेज वायु और आकाश निकल जाते हैं। हे जनार्दन, इस शरीर में स्थित जो पांच कर्मेंद्रिया और पांच ज्ञानेंद्रिया तथा पांच वायु है वह कहाँ से निकल जाते हैं? लोभ मोह तीक्षा काम और अहंकार रूपी ये पांच जो शरीर में छिपे रहते हैं वह कहाँ से निकल जाते हैं? हे माघव, प्राणी जीवन काल में पूर्ण अथवा पाप से जो दान करता है वह सब के शरीर कैसे नाना प्रकार दान देता है, वह सब शरीर के नष्ट हो जाने पर उसके साथ कैसे चले जाते हैं? बस के समाप्त हो जाने पर भी मरे हुए प्राणी के लिए सपिंडन करण क्यों होता है? उस प्रत्येक क्रिया में सपिंडन प्रेत क्रिया का मिलन किसके साथ तथा किस विधान से होना चाहिए इस को बताने को कृपया करें। हे हरि, मूर्छा से अथवा पतन से जिनकी मृत्यु होती है उनके लिए क्या होना चाहिए? जो पतित मनुष्य चलाए गए अथवा नहीं चलाए गए तथा इस पृथ्वी पर जो अन्य प्राणी है उनके मरने पर अंत में क्या होना चाहिए? जो मनुष्य पापी दुर्चारी अथवा हत बुद्धि है मरने के बाद वे किस स्थिति को प्राप्त करता है? जो मनुष्य आत्मघाती ब्रह्मदंड त्यागी स्वर्ण आदि की चोरी करने वाला और भिनादि का साथ विश्वघात करने वाला उस महापाती का क्या होता है? हे माघव, जो शूद्र कपिला गौ दूध पीता है वह प्राणव महामंत्र का जप करता है या ब्रह्म सूत्र तथा जोग पोथी का धारण करता है तो उसके मृत्यु के बाद उसकी क्या गति होती है? हे संसार के स्वामी, जब कोई शूद्र किसी ब्राह्मण को पत्नी बना लेता है तो उस पापी से मैं भी डरता हूँ। आप बताएं कि उस पाप की क्या दशा होती है, साथ ही उस पाप कर्म को पालन करने की बताई गई है, फिर भी कृपा करें। हे विश्वात्मा, आप मेरी दूसरी बात पर भी ध्यान दे। मैं कौतूहल बस वेग पूर्वक लोगों को देखता हूँ, संपूर्ण जगत में जा चुका हूँ, उसमें रहने वाला लोगों को मैं देखा है कि वे सभी दुखों में ही डूब रहे हैं। उनके अत्यंत कष्टों को देखकर मेरा अंतःकरण पीड़ा से भर गया है। स्वर्ग में देवताओं की शत्रुता से भय है, पृथ्वी लोक में मृत्यु और रोगादि से तथा अभिष्ट वस्तुओं को वियोग से लोग दुखी थे। पाताल लोक में रहने वाला प्राणियों को मेरे भय दुख बना रहता है। हे ईश्वर, आपके इस वचन पर वैकुंठ को आंतरिक अनंत किसी भी लोकों में ऐसे निर्दया नहीं दिखाई देती है और वशीभूत जगत का स्थिति श्वान की माया से समान असत्य है। उनमें भी इस भारतवर्ष में रहने वाले लोग बहुत से दुख भोगते हैं। मैंने यहाँ देखा है कि उस देश के मनुष्य राग द्वेष तथा मोह आदि अखंड डूबे हुए हैं। उस देश में कुछ लोग अंधे हैं और कुछ टेढ़ी दृष्टि वाले हैं और कुछ दोष प्रवृत्ति वाले हैं और कुछ लुलू है और कुछ लंगड़े हैं और कुछ काले हैं और कुछ बहरे हैं, कुछ मूंगे हैं, कुछ कोढ़ी है, कुछ लोमास है और अधिक रोम वाले हैं, कुछ ना प्रकार के रोग से घिरे हुए हैं और कुछ आकाश कुसमी की तरह नितांत मिथ्या अभिमान से सूर है। उनके विचित्र दोषों को देखकर तथा उनकी मृत्यु को देखकर मेरे मन में क्या जिज्ञासा उत्पन्न हो गया है। यह मृत्यु के क्या है और इसमें भारतवर्ष में था और किसी विचित्र में ऋषियों को मैंने पहले इस विषय समानता में यह सुना रखा है कि जिसकी विधि पूर्वक वार्षिक क्रिया नहीं होती है उसकी दुर्गति होती है। फिर भी हे प्रभु, इसकी विशेष जानकारी के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हे उपेंद्र, मनुष्य के मृत्यु के समय उसके कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, कैसा दान देना चाहिए,
मृत्यु शमशान और भूमि तक पहुंचने के बीच कौन कौन सी विद्या अपेक्षित है? चिता में शव को जलाने की क्या विधि है? तत्काल अथवा विलंब से उस जीव को कैसे दूसरी देह प्राप्त होती है? यामलोक में सेमानी नगरी को जानने के लिए वर्षप्रांत कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए? दुर्वधि यथा दुर्चारी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसका प्रायश्चित क्या है? पंचक आदि में मृत्यु होने पर उस पंचक के लिए क्या क्या करना चाहिए? हे देव, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो आप मेरे इस संपूर्ण भ्रम को विनष्ट करने में समर्थ है। मैंने आपसे यह कहा कि लोक मंगल की कामना से पूछा है, मुझे बताने कृपया करें। अच्छा, मरणासन्न व्यक्तियों के कल्याण के लिए किए जाने वाले कर्म, मृत्यु इससे पूर्व की स्थिति तथा कर्म विषय का वर्णन। श्री भगवान ने कहा कि हे भद्रे, आपने मनुष्य को हित में बहुत ही अच्छी बात पूछी है, सावधान होकर सुनो। इस समस्त अर्थ वैदिक क्रियाओं को भली भांति सुनो। हे गरुण, जो सम्यक रूप से भेद रहित है, किसी का वर्णन श्रुतियों में और स्मृतियों में हुआ है, जिसको इंद्रादि देवता, योगी जन और योग मार्ग का चिंतन करने वाला विद्वान नहीं देख सके है, जो गुहा की गुहा है, ऐसे उस प्रधान तत्व को जिसे मैंने अभी तक किसी के अन्य से नहीं कहा है। तुम मेरे भक्त हो, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हे बेंते, इस संसार में पुत्रहीन व्यक्ति की गति नहीं है, उसको स्वर्ग प्राप्ति नहीं होता है। अतः शास्त्र अनुसार यथोयोग उपाय से पुत्र उत्पन्न करना ही चाहिए। यदि मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलता तो पुत्र नरक से उसका उद्धार कर देता है। पुत्र और पौत्र के मरे हुए प्राणी को कंधा देना चाहिए तथा उसका यथाविधि अग्निदाह भी करना चाहिए। शव के नीचे पृथ्वी पर तिल सहित कुछ बिछाने की शव की आधारभूत भूमि उस ऋतुमती नारी के समान हो जाता है जो प्रसव की योग्यता रखती है। मैत्रिक मुख में पंचरत्न डालना बीज के समान है, जिसमें आगे जीव की शुभ गति नीचे होती है। जैसे पुष्प ऋतु काल में स्त्रियों का रजोदर्शन न होने पर गर्भधारण संभव नहीं है, वैसे ही शव भूमि ही तिल कुश आदि के बिना जीव की शुभ योनि में मुक्ति मिलना संभव नहीं है। यही कारण बन पाती है, इसीलिए सदा पूर्वक तिल कुश पंचरत्न आदि यथाविधि विनियोग आवश्यक है। गोबर से भूमि को सबसे पहले लिपना चाहिए, तदंतर उसके ऊपर तिल कुश बिछाना चाहिए। उसके बाद आतुर व्यक्ति को भूमि पर कुशासन के ऊपर सुला देना चाहिए। ऐसा करने से वह प्राणी अपने समस्त पापों को जलाकर पाप मुक्त हो जाता है। शव के नीचे बिछाए गए कुश समूह के निश्चित ही मृत्यु ग्रस्त प्राणी को स्वर्ग ले जाती है, इसमें संशय नहीं है। जहाँ पृथ्वी पर मल मूत्र आदि का लेप संबंध नहीं है, वहाँ वह सदा पवित्र है। और जहाँ मल मूत्र आदि का लेप संबंध है, वहाँ मल मूत्र आदि का अवसरण करके योग माया से लेप करने पर वह शुद्धि होती है। और गोबर से बिना लिपी हुई भूमि पर सुलाए गए मनासन व्यक्तियों में जस पिशाच एवं राक्षस कोटि के कुकर्मी दुष्ट लोग प्रभावित हो जाते हैं। मरणासन की मुक्ति के लिए उसमें जल से बनाए गए मंडल वाली भूमि पर ही सुलाना चाहिए, क्योंकि नित्य होम श्राद्ध पाद प्रदक्षिणा ब्राह्मणों को आचार्य एवं भूमिका का मंडल कार्य मुक्ति हेतु माने गए हैं। बिना लिपि पुति मंडलहीन भूमि पर मरणासन व्यक्ति को नहीं सुलाना चाहिए। भूमि पर बनाए गए ऐसे मंडल में ब्रह्मा विष्णु रुद्र और लक्ष्मी तथा अग्नि आदि देवता का विद्यमान होता है, अतः मंडल का निर्माण वैसे करना चाहिए। मंडल विहीन भूमि प्राण त्याग करने पर वह चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे जवान हो, उसकी अनियोनी नहीं प्राप्त होती है। हे तक्षर, उसकी जीवात्मा वायु के साथ भटकती रहती है,
उसके प्रकार वायुभूत जीवात्मा के लिए न तो श्राद्ध का विधान है और न ही जल तर्पण की क्रिया ही बताई गई है। हे गरुण, तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए है, अतः तिल बहुत ही पवित्र है। तिल के प्रयोग करने पर असुर दानव दैत्य भाग जाते हैं। तिल श्वेत कीर्ण और गोमूत्र वर्ण के समान होते हैं। वे मेरे शरीर द्वारा किए गए समस्त पापों को नष्ट कर ऐसा भावना करनी चाहिए। एक ही तिल का दान स्वर्ण के 32 से तिल के दान के समान है। तर्पण दान एवं होम में दिया गया तिल का दान अच्छा होता है। कुछ मेरे शरीर के रोम से उत्पन्न हुए है और तिल उत्पत्ति मेरे पसीने से हुई है और इसीलिए देवात्माओं को तृप्ति के लिए मुख में कुछ और पितरों की तृप्ति के लिए तिल की आवश्यकता होती है। देवताओं और पितरों की तृप्ति के लिए उपजीव रक्षक होने के कारण विश्व की तृप्ति में हेतु है। अतः अपसव्य आदि सदा को विद्या बताई गई है। उन्हें विधियों के अनुसार मनुष्य को मैं ब्रह्मा देवक्षर आदि पितृजनों को संतुष्ट करना चाहिए। अपसव्य आदि होकर तिल का उपयोग करने से ब्रह्मा पितर देवक्षर तृप्त होते हैं। अपसव्य होकर कर्म करने से पितरों की संतृप्ति होती है। कुश के मूल भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में विष्णु तथा अग्र भाग में शिव को जानना चाहिए। ये तीन देव कुश में प्रतिष्ठित माने गए हैं। हे पंक्षी राज गरुण, हे पंक्षी राज ब्राह्मण, मंत्र कुश अग्नि और तुलसी ये बार बार समर्पित होने पर भी परशुयुक्त नहीं माने जाते हैं। कभी निर्मल अर्थात कभी बासी नहीं होते हैं। इनका पूजन में ब्राह्म प्रयोग किया जाता है। हे खगेंद्र, तुलसी, ब्राह्मण, गौ, विष्णु और एकादशी व्रत ये पांच संसार में डूबते हुए लोगों को नौके के समान पार करते हैं। हे पति श्रेष्ठ, हे पंक्षी श्रेष्ठ, विष्णु, एकादशी व्रत, गीता, तुलसी, ब्राह्मण, गौ और ये छह असार संसार में लोगों को मुक्ति प्रदान करने का साधन है। यह षष्ठ कली कहलाती है। भूले तो ब्राह्मण मध्य जनादना दर्भाग्रे शंकर विदात त्रयो देव कुश स्मृतयः विप्रमंत्र कुशा बहि स्थूली चे खगेश्वराय नित निर्माय यान्ति गिरमणाय गोपुरा तुलसी ब्राह्मण गयो विष्णु एकादशी खग धनमृदाते निपण विष्णु एकादशो गीता तुलसी विप्रमेव च असार दुर्शांत कपट मूली चन्नाया। जैसे तिल की पवित्रता तुलनीय होती है उसी प्रकार कुश और तुलसी भी अत्यंत पवित्र होते हैं। ये तीनों पदार्थ मरण आसन व्यक्ति को दुर्गति के उबार लेते हैं और दोनों हाथों में कुश उखड़ना चाहिए और उसे पृथ्वी पर रखकर जल से पोषित करना चाहिए तथा मृत्यु काल में मरणासन के दोनों हाथों में रखना चाहिए और जिसके हाथ में कुश है और जो कुश से प्रविष्टित कर दिया जाता है वह मंत्रहीन होने पर भी उसकी संपन्न क्रियाएं न हो पाई हो तभी भी वह विष्णु को प्राप्त करता है। इस प्रकार संसार में भूमि को गोबर से लीपकर उस पर मृत मनुष्य को सुताने से और कुशासन पर स्थिर करने से तथा विशुद्ध अग्नि में दाह करने से उसका समस्त पापों का नाश हो जाता है। लवण और उसका रस दिव्य उत्तम रूप का प्रपायक है और वह प्राणी समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला है। लवण के बिना अन्न रस उत्कृष्ट अर्थात अव्यक्त होते हैं और सुस्वादु होते हैं। इसीलिए लवण रस पितरों के लिए प्रिय होता है और स्वर को प्रदान करने वाला यह लवण नमक रस भगवान विष्णु को शरीर से उत्पन्न हुआ है। इस बात को जानने वाला योगी जन लवण के साथ दान करने की कहते हैं। इस पृथ्वी पर यदि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये और स्थित तथा शूद्र बन के आतुर व्यक्ति को प्राण न निकले तो उसके लिए स्वर्ण का द्वारा खेलने के लिए लवण का दान करना चाहिए। हे पक्षेन्द्र, अब मुझको मृत्यु के स्वरूप
विस्तार पूर्वक सुनो। मृत्यु तो काल है, उसका समय आ जाने पर जीवात्मा से प्राण और देह का वियोग हो जाता है। मृत्यु अपने समय पर आती है और मृत्यु के कष्ट के प्रभाव से प्राणी अपने किए कर्मों का एकदम भूल जाता है। हे गरुण, जिस प्रकार वायु मेघ मनलोकों को इधर उधर देख खींचता है, उसी प्रकार प्राणी काल के वश में रहता है। सात्विक, राजस और तामस ये सभी भाव काल के वश में है। प्राणियों के ये काल के अनुसार अपने अपने प्रभाव का विचार करते हैं। हे सर्पहंता गरुण, सर्पहंता गरुण, सूर्य चंद्र और शिव, वायु इंद्र और अग्नि, आकाश पृथ्वी मित्र औषधि आठों वसु नदी सागर और भाव अभाव ये सभी काल के अनुसार यथा समय उद्भूत होते हैं, बढ़ते हैं, घटते हैं। तीला पवित्रम दशा प्रमित लगाए शर्म अग्नि जयंती चैतानी दुर्गंती यातना उठते आत्मा अभ्यनमः। और हे और मृत्यु उपस्थित होने पर काल के प्रभाव से विनष्ट हो जाता है। हे पक्षिन, जब मृत्यु आती है तो उसके कुछ समय पूर्व देवक से कोई रोग प्राणी के शरीर में उत्पन्न हो जाता है। इंद्रिया विकल हो जाती है और बल ओज तथा वेग शिथिल हो जाता है। हे खग, प्राणियों को करोड़ों भिक्षुओं के एक साथ काटने का जो अनुभव होता है, उसे मृत्यु जनित पीड़ा का अनुभव करना अनुमान करना चाहिए। उसके बाद ही चेतना समाप्त हो जाती है। जब ता आ जाती है तदंतर जमदूत उसके समीप आकर खड़े हो जाते हैं और उसके प्राणों को बलात् अपने ओर खींचना शुरू कर देते हैं। और उस समय प्राण कंठ में आ जाता है। मृत्यु के पूर्व मृत्यु का रूप विभस्त हो उठता है। वह फेन उगलने लगता है। उसका मुंह लार से भर जाता है और उसके बाद शरीर भीतर विद्यमान रहने वाला वह अंगुष्ठ प्रमाण पुरुष हाकार करता हुआ अपने घर को देखता हुआ जमदूत को द्वारा जम रूप ले जाया जाता है। मृत्यु के समय शरीर में प्रभावित वायु प्रकोपित होकर तीव्र गति को प्राप्त करता है और उसकी शक्ति से अग्नि तत्व भी प्रकोपित हो उठता है। बिना ईंधन के प्रदर्शित उस प्राणी के मर्म स्थान का भेदन करने लगता है, जिसके कारण प्राणी अत्यंत कष्ट की अनुभूति होती है। परंतु भक्तजनों के एवं भोग मनसक जनों के अधोगति निरोध करने वाला उदान नामक वायु उधर गति से उठ जाता है। जो लोग झूठ नहीं बोलते, जो प्रतिदिन भेदन नहीं करते, अस्तिक और सद्वान है, उन्हें सुख पूर्वक मृत्यु प्राप्त होती है। जो काम विषजा और द्वेष के कारण स्वधर्म प्रत्याग न करे सदाचारी और सोम ही वे सब निश्चित सुख पूर्वक मरते हैं। जो लोग मुंह और ज्ञान का उपदेश देते हैं, वे वायु मृत्यु के समान अंधकार में फंस जाते हैं। जो झूठी गवाही देने वाले और असत्य भाषण विश्वघाती और वैदिक निंदक है, वे मूर्छ रूपधारी मृत्यु को प्राप्त करते हैं और उनको ले जाने के लिए लाठी एवं मुगदर से युक्त दुर्गंध से भरपूर एवं भयभीत करने वाला दुर्गंध जमदूत आते हैं। ऐसे भयंकर परिस्थिति देखकर प्राणी के शरीर भयवश कंपने लगता है और वह उस समय अपनी रक्षा के लिए हनुमंतर माता पिता और पुत्र को याद कर करुणा कर्दन करता है। उस क्षण प्रयास करने पर भी जीवों को कण से एक शब्द भी स्पष्ट नहीं निकालता। भयवश प्राणी की आंख नसने लगती है, उसकी सांस बढ़ जाती है और भूख सूखने लगती है। उसके बाद भेदन से अभिष्ट होकर वह अपने शरीर का प्रत्याग करता है। उसके बाद ही वह सबके लिए अप्रिय एवं घृणीय हो जाता है। हे गरुण, इस प्रकार मैंने यथा प्रसंग में मृत्यु स्वरूप सुना दिया। अब आपके दूसरे प्रश्न का जो उत्तर बड़ा ही विचित्र है, उसे सुना रहा हूँ। हे पंक्षीराज, पूर्व जन्म में किए गए भांति भांति के भोगों का भोगता हुआ प्राणी यह भ्रमण रहता है और देव असुर और यक्ष आदि योनियों में भी प्राणियों के लिए सुख प्रदायनी है।
मनुष्य पशु पंक्षी आदि योनियां अत्यंत दुखदायिनी है। हे खगेश्वर, प्राणों की कर्म का फल तत्परता से इन योगियों में प्राप्त होता है। अब मैं इसी प्रसंग में आपसे कर्म विषय का वर्णन भी करूंगा। हे गरुण, प्राणी अपने सत्कर्म एवं दुष्कर्मों के फलों के विधिवत अनुभव के करने के लिए ये संसार में जन्म लेता है। जो महापातक ब्रह्म हत्या आदि महापातक जन्य और अत्यंत कष्टकारी और रोग रोगादा इन लोग को भोग कर कर्म क्षेत्र के बाद पुनः इस पृथ्वी पर जिन लक्षणों से युक्त होकर जन्म लेता है, उन लक्षणों से आप मुझे सुने। हे खगेंद्र, ब्राह्मण की हत्या करने वाला महापाती को मृग, अश्व और शुकर और ऊंट की ध्वनि प्राप्त होती है। सुवर्ण के चोरी करने वाला कृमि, कीट और पतंग योनियों में जाता है। गुरु के पत्नी के साथ सहवास करने वाला जन्म कर्कश, त्रिग और लात और गुल्म योनियों में होता है। ब्रह्मघाती क्षय रोग का रोगी मध्वादी वित्त दानक और स्वर्ण चोर कुनखी एवं गुरु पत्नगामी चर्म रोगी होता है। जो मनो जिस प्रकार महापातकियों को साथ करता है, उसे भी उसी प्रकार रोग होता है। प्राणी एक वर्षांत पतित व्यक्ति का साथ करने से स्वयं पतित हो जाता है। परस्पर बतलाप करने से तथा स्पर्श निश्वास सहयान सहव्योज और सह आसन या जान अधिपापन तथा लोक संबंधी मनुष्य को शरीर में पाप सकर्मित हो जाते हैं। दूसरों के स्त्री के साथ सहवास करने और ब्राह्मण का धन चुराने से मनुष्य को दूसरे जन्म में अरण्य तथा निर्जन देशों में रहने वाली ब्रह्म रक्षक की योनि प्राप्त होता है। रत्न की चोरी करने वाला निर्किष्ट योनि में जन्म लेता है। जो मनुष्य विष के पत्तों को और गंध को चोरी करता है, उसे सुंदर की योनि में जन्मा पड़ना पड़ता है। धान को चोरी करने वाला चूहा और यान चुराने वाला ऊंट तथा पल की चोरी करने वाला बंदी की योनि में जाता है। बिना मंत्र के उच्चारण भोजन करने पर कौवा, घर का सामान चुराने वाला गीद और मधु की चोरी करने पर मधुमक्खी, फल की चोरी करने पर गीद और गाय की चोरी करने पर गोह और अग्नि की चोरी करने पर बगुले की योनि प्राप्त होती है। स्त्रियों का वस्त्र चुराने पर श्वेत कोष्ठ और उसका अपहरण करने पर भोजन आदि में रुचि हो जाती है। कांस की चोरी करने वाला हंस दूसरे के धन का हरण करने वाला अपसर रोग से प्राप्त होता है तथा गुरु हत्या, कुकर्म करना, बौना और धर्म पत्नी का प्रत्याग करने वाला सदवेदी होता है। देवता और ब्राह्मणों के धन का अपहरण करने वाला, दूसरे के मांस खाने वाला पांडु रोगी होता है। भस्य और अभस्य का विचार न रखने वाला अगले जन्म में गंडमाला नामक महा रोग से पीड़ित होता है। जो दूसरे को धरोहर अपहरण करता है, वह काना होता है। जो स्त्री के बल पर ही संसार में जीवन यापन करता है, वह दूसरे के जन्म में लंगड़ा होता है। जो मनुष्य पति प्राण अपनी पत्नी का प्रत्याग करता है, वह दूसरे जन्म में दुर्भाग्यशाली होता है। और अकेला मिष्ठान खाने वाला बाता कुलमा का रोगी होता है। और कोई व्यक्ति यदि किसी ब्राह्मण पत्नी के साथ सहवास करे तो से श्रृंगार संध्या का हरण करने वाला दरिद्र और वस्त्र का हरण करने वाला पतंग होता है। मत्स्य दोष से युक्त होने पर प्राणी जन्माद दीपक दीपक चुराना वाला कपाली होता है। मित्र की हत्या करने वाला उल्लू होता है।
पिता आदि को श्रेष्ठ जनों की निंदा करने वाला प्राणी क्षय रोगी होता है और असत्यवादी हकला कर बोलने वाला और झूठी गवाही देने वाला जलोदर रोग से पीड़ित रहता है। विवाह में विघ्न पैदा करने वाला पापी मच्छर की योनि में जाता है। यदि कचाते तो उसे पुनः मनुष्य की योनि प्राप्त भी होती है तो उसका होठ कटा होता है। जो मनुष्य से चतुष पथ पर मल मूत्र पर त्याग करता है वह वृषल अपशुद्र होता है। कन्या को दूषित करने वाला प्राणी को मूत्र किस और नपुंसकता का शिकार विकार होता है। जो वेद बेचने का धर्म करता है वह व्याघ्र होता है। अजय का जग करने वाला को सूर्य की योनि प्राप्त होती है। अभक्ष्य भक्षण करने वाला व्यक्ति बिलोटा और वनों को जाने वाला खदोत होता है। जुगनू होता है। बासी एवं मिश्रित भोजन करने वाला कृमि और मर्त्य दोष से युक्त प्राणी को भ्रमर की योनि मिलती है। घर आदि में आग लगाना वाला कोड़ी और आदत का आदान करने वाला मनुष्य बैल होता है। गायों को चोरी कराने पर सर्प तथा अन्न की चोरी करने पर प्राणी को जीर्ण रोग होता है। जल की चोरी करने पर मछली, दूध की चोरी करने पर बालिका का और ब्राह्मण को दान देने में बासी भोजन देने से कुबड़े की योनि प्राप्त होती है। हे पक्षी, जो मनुष्य फल चुराता है उसकी संतति मर जाती है। बिना किसी को दिए अकेले भोजन करने वाला व्यक्ति दूसरे जन्म में संतानहीन होता है। संन्यास आश्रम का प्रत्याग करने वाला अरूरपति पिशाच होता है। जल के चोरी करने वाला चातक है। पुस्तक को चोरी करने वाला प्राणी जन्मांध होता है। हे ब्राह्मणों को देने की प्रतिज्ञा करके जो नहीं देता है उन्हें श्यार की योनि प्राप्त होती है। झूठी निंदा करने वाले लोगों को कछुए की योनि में जाना पड़ता है। फल बेचने वाला दूसरों के जन्म में भाग्यहीन होता है। जो ब्राह्मण शुद्ध के कन्या से विवाह कर लेता है वह भेड़ियों की योनि प्राप्त करता है। और अग्नि को पैर से स्पर्श करने वाला प्राणी बिलोटा और जीव की मांस खाने पर रोगी होता है। जो मनुष्य जल में सुतों को विनष्ट करते हैं वे मत्स्य होते हैं। जो लोग भगवान हरि की कथा और साधुजनों की प्रशिक्षित नहीं सुनते हैं उन मनुष्य को कर्णमूल रोग होता है। जो व्यक्ति प्राय के मुंह से स्थित अन्न का अपहरण करता है वह मंदबुद्धि होता है। जो देव पूजन में प्रयुक्त होने वाले पत्रादि का उपकरणों का अपहार करता है उसे गंधमाला रोग होता है। दम के वशभूत होकर जो प्राणी धर्मचारण करता है उसको गज चर्म का रोग होता है। विश्वासघाती मनुष्य के शरीर में शिरोवाती रोग होता है। शिव के धन और निर्मल सेवन करने वाला व्यक्ति शीशन पीड़ा से ग्रसित रहता है। और स्त्रियां पाप की भागिन होती है और इन्हें उन्हें जंतुओं का भरजा होना पड़ता है। उस कर्मों के कुल से प्राप्त नजर का भोग करने के बाद मनुष्य इन सभी योनियों में प्रविष्ट होता है। ऐसे निश्चय समझना चाहिए। हे खर पर जिस प्रकार इस संसार में नाना भौते भांति के द्रव्य विद्यमान है उसी प्रकार प्राणियों को विभिन्न जातियां भी है। वे सभी अपने अपने विभिन्न कर्मों को प्रतिफल रूप से सुख दुख एवं नाना योनियों को भोग करते हैं। तत्व यह है कि प्राणी को शुभ कर्म करने से शुभ फल की प्राप्ति और अशुभ करने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। नरकों के स्वरूप और नरकों को प्राप्त होने वाली विद्या एवं नरक से गिरने वाले कर्म एवं जीव की शुभ शुभ गति। शिशुजी ने कहा कि पूछे गए अपने प्रश्नों का समय को उत्तर सुनकर पक्षीराज गरुण अतिशय आनंदित हो भगवान विष्णु से नरक की स्वरूप की जानने की इच्छा प्रकट की। गरुण ने कहा, हे उपेंद्र, आप मुझे नरक का स्वरूप और भेद बताएं।
जिनमें जाकर पापी जन अत्यधिक दुख भोगते हैं। श्री भगवान ने कहा कि अरुण के छोटे भाई गरुण और नरक तो हजारों की संख्या में है, सभी को विस्तृत रूप में बताना संभव नहीं है, अतः मैं मुख्य मुख्य नरकों को बता रहा हूँ। हे पक्षीराज, तुम मुझसे यह जान लो कि रौरव नामक नरक अन्य सभी की अपेक्षा प्रधान है। झूठी गवाही देने वाला, झूठ बोलने वाला और व्यक्ति रौरव नामक नरक में जाता है, इसका विचार 2000 योजन है। जांग भर की गहराई में वहाँ दूसर गंगा है और दहकते हुए अंगारों में भरा हुआ हुआ गड्ढा पृथ्वी के समान बराबर है। हेलो। और समतल भूमि जैसा दिखता है। तीव्र अग्नि से वहाँ की भूमि भी तत्काल जैसी है। उसे जम के दूत पापियों डाल देते हैं। उस जलती हुई अग्नि संतप होकर पापी उसी में इधर उधर भागता है। उसके पैर में छाले पड़ जाते हैं जो फूटकर आने लगते हैं, और रात दिन वह पापी वहाँ पैर उठा उठा कर चलता है। इस प्रकार वह जब हजार योजन उस नरक का विस्तार पार कर रहता है, तब उसे पाप की शुद्धि के लिए उसी प्रकार दूसरे नरक में भेजा जाता है। हे पक्षिन, हम यह पक्षिन, इस प्रकार मैंने तुम्हें रौरव नामक नरक की बात बता दी। अब तुम महारौरव नामक नरक की बात सुनो। यह नरक 5000 योजना में फैला हुआ है। वहाँ की भूमि तांबे के समान बन वाली है। ऊंचे नीचे की अग्नि जलती रहती है और वह भूमि विद्युत प्रभा के समान कांतिमान है। देखने में वह पापी जनों को महाभयंकर प्रतीत होता है। जम के दूत पापी व्यक्ति को हाथ पैर बांध कर उसी में लुढ़का देते हैं और वह लुढ़का हुआ उसमें चलता है। और मार्ग में कौवा और बगुला, भेड़िया, उलूक और मच्छर और बिच्छु आदि जीव जंतु क्रोधात होकर उसे खाने के लिए तत्पर रहते हैं। वह उस जलती हुई भूमि एवं भयंकर जीव जंतुओं के आक्रमण से इतना संतप हो जाता है कि उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। वह घबरा कर चिल्लाने लगता है तथा बार बार उस कंठ से बेचैन हो जाता है और उसकी वहाँ पर कहीं पर भी कष्ट से बेचैन ही उठता है। उसकी वहाँ शरीर भी शांति नहीं प्राप्त होती है। इस प्रकार वह नरक लोक में कष्ट भोगते हुए पापी जब हजारों वर्ष बीत जाता है, तब वो कहीं जाकर मुक्ति प्राप्त होता है। इसके बाद जो नरक है उसका नाम अति शीत है। वह स्वभावतः अत्यंत शीतल है। महारौरव नाम के नरक के समान ही उसका भी विस्तार बहुत लंबा है। वह गहन अंधकार से व्याप्त रहता है। असंख्य कष्ट देने वाले जमदूतों द्वारा पापी जन लाकर वहाँ बांध दिए जाते हैं। आता हुए एक दूसरे को आलिंगन करके वहीं की भयंकर ठंडक से बचने का प्रयास करते हैं। उनमें दैत्यों को कटकटाहट होने लगती है। हे पक्षीराज, उनका शरीर वहाँ की ठंडक से कांपने लगता है। वह भूख प्यास बहुत अधिक लगती है। इसके अंतिक भी अनेक कष्टों का समान उन्हें वहाँ करना पड़ता है। वह हिमखंड बहना करने वाली वायु चलती है जो शरीर की हड्डियों को तोड़ देती है, और वहाँ की प्राणी भूख से त्रस्त होकर मजा रक्त और गल रही हड्डियों को खाते हैं। इस प्रकार भेंट होने पर वे सभी पापी एक दूसरे को आलिंगन कर भ्रमण करते रहते हैं। इस प्रकार उस तामसाबुत नरक में मनुष्य को बहुत से कष्ट झेलने पड़ते हैं। और हे पक्षी श्रेष्ठ, जो व्यक्ति अन्ना या संख्या पर पाप करता है, वह इस नरक के आंतरिक निकृंतन नाम से प्रसिद्ध दूसरे नरक में जाता है। हे खगेंद्र।
अति पृष्ठ नामक एक अन्य नरक है, वहाँ जाने वाला प्राणी ऐसा दुख को भोगते हैं। वहाँ पाप कर्मियों को दुख हेतु चक्र और रहट लगे रहते हैं। जब तक हजारों वर्ष पूरे नहीं हो जाते तब तक वह रुकता नहीं। जो लोग उस चक्र में बांधे जाते हैं वे जल घट की भांति उस पर घूमते रहते हैं। अपना रक्त का वामन करते हुए उनकी आते मुख की ओर बाहर आ जाती है और नेत्र आंतों में घुस जाती है। प्राणी को वहाँ जो दुख प्राप्त होता है वे बड़े कष्टकारी है। हे गरुण, अब अशिपक नामक दूसरे नरक के विषय में सुनो। यह नरक 1000 योजन में फैला हुआ है और इसकी संपूर्ण भूमि अग्नि से व्याप्त होने के कारण हमेशा जलती रहती है। इस भयंकर नरक में सात सात सूर्य अपनी सहस्र रश्मियों को सदा तपते रहते हैं, जिनके संताप से वहाँ की पापी हर समय जलते ही रहते हैं। इस प्रकार के मध्य एक चौथाई भाग में सत्यनागर्क नामक वन है। हे पति श्रेष्ठ पंक्षी श्रेष्ठ हे पंक्षी श्रेष्ठ हे पंक्षी श्रेष्ठ उसमें विश्व को टूट कर गिरे फल और पत्तों को ढेर लगे रहते हैं। मांसाहारी बलवान कुत्ते उसमें विचरण करते हैं। वे बड़े बड़े मुख वाले बड़े बड़े दांत वाले था व्याघ्र की तरह महाबलवान है। अत्यंत शीत एवं छाया से व्याप्त उस नरक के देखो भूख प्यास से पीड़ित प्राणी होकर करुणा कर्तन करते हुए वहां जाते हैं। ताप से तपती हुई पृथ्वी अग्नि के पापियों को दोनों पैर जला डालते हैं। अत्यंत शीतल वायु बहने लगती है जिसके कारण उन पापियों का ऊपर तलवार का समर्पण तीक्ष्ण धार करने वाले गिरते हैं। जलते हुए अग्नि के समूह जो भूमि पर पंच योजन छीन भीन होकर गिरते हैं। उसी समय वहाँ के रहने वाले कुत्तों को आक्रमण भी उन पापियों पर होने लगता है। शीघ्र ही वे कुत्ते रोते हुए उन पापियों को शरीर को मांस को खन खन करके खा जाते हैं। अशिपत्र नामक नरक के विषय में मैंने बता दिया। अब तुम महाभयानक तत्कुम नामक नरक को वर्णन सुनो। इस नरक में चारों ओर से फैले हुए अत्यंत गरम गरम घड़े हैं। उनमें चारों ओर अग्नि प्रज्वलित रहती है और वे उबले हुए तेल और लोह के चूर्ण से भरे रहते हैं और पापियों को ले जाकर उन्हीं में आधे मुख डाल दिया जाता है और जलती हुई मजा रूपी जल से जो उसी में फूटते हुए नए अंग वाले पापी काढ़े के समान बना दिए जाते हैं और तदंतर भयंकर जमदूत नुकीले हथियारों से उन पापियों को खोपड़ी आंखों आदि हड्डियों को छेद कर नष्ट करते हैं। गिद्ध बड़ी तेजी से वहां आकर ऊपर झपट मारते हैं। उन उबलते हुए पापियों को अपनी चोंच से खींचते हैं और फिर उसी में छोड़ देते हैं। उसके बाद जब उन पापियों को शीर स्नान वायु प्रदीप मान त्वचा और आदि को जल्दी करुण से उसे तेल में घुमाते हुए उन महा पापियों को कढ़ा बना डालते हैं। हे पंक्षी यह तप्त कुंभ जैसा है। इस बात को विचार पूर्वक मैंने तुमसे बता दिया। सबसे पहले नरक को रोब और दूसरे नामक मैं बाद वाले को महारोग नामक कहा जाता है। तीसरे नाम का नाम अतिशीत है। चौथे का नाम निकृत है। पांचवे का नीचे छठे का पीक है। सतवें का तस्कुम। इस प्रकार से सत्कार का नरक है। अन्य भी बहुत से नरक सुने जाते हैं।
जिसमें पापी अपने कर्मों को अनुसार जाते हैं तथा रोग तथा रोध सुकर तार सगुण महाज्वार सर्व विमोहन कृमि कृमि लालापाक भीषण अधर सिद कुंजान विधान बैतणी अपेवित्र अपेत्र गिंजवाला वाला महादोष संदेश भोजन तामस कालसूत्र और सभी नरक के राज में स्थित है। पाप जन पृथक पृथक रूप में मैं रूप में उनसे जाकर गिरते हैं और रोम आदि नरकों का अवस्थित इस पृथ्वी लोक में नीचे मानी गई है। जो मनुष्य गौ की हत्या भ्रूण हत्या और आग लगाने का दुष्कर्म करता है वह रोध नामक नरक में गिरता है। जो ब्रह्म घाती मंगाती मदापी और सोने की चोरी करता है वह शुक्र नामक नरक में गिरता है। क्षत्रिय और वैश्य हत्या करने वाला काल नामक नरक में जाता है।